दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल मैथ ट्रिक्स में। और अपने आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति में आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होता है n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल अगर करना हो तो n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स। और अगर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल करना है, ये संख्याओं का योगफल था, ये उनके वर्गों का योगफल है, ये उनके घनों का योगफल है, फॉर्मूला इसके लिए होता है n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर। अगर आपको प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं के वर्गों का योग करना, ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग था लेकिन ये प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याएं यानी 2, 4, 6, 8 इनके वर्गों का योगफल करना है। चाहे प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योग करना हो या प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग करना हो, दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू अपॉन सिक्स। और अगर प्रथम n विषम संख्याओं का योग करना है, 1, 3, 5, 7 कितनी भी संख्याएं थी वो n का वही मान ले लिया जाएगा, इनका योगफल करना है तो n स्क्वायर होगा। और अगर प्रथम n सम संख्याओं का, सम संख्याएं होती हैं 2, 4, 6, 8, प्रथम n सम संख्याओं का योगफल होगा n इंटू एन प्लस वन। और प्राकृतिक संख्याओं की अगर बात करते हैं तो आप जानते होंगे प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, 1, 2, 3, 4। अब प्रश्न देखिए, पहले फॉर्मूले से प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करने के लिए सूत्र बताया n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। तो क्वेश्चन उससे बनता है कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, n की जगह 20 दिया है प्रश्न में, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कह दिए। या प्राकृतिक संख्याएं मैंने बताया कि 1 से शुरू होती है, प्रश्न को ऐसे भी दिया जा सकता है, या 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन जमा 20, यानी 1 से लेकर 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल करना है। फॉर्मूला इसके लिए आपके पास है n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, और n का जो मान है यहाँ 20 है, 20 संख्याओं का योगफल आपको करना है, तो n की जगह 20 रख देंगे, 20 × 20 + 1/2, और ये हो जाएगा कि 20 × 20 + 1 होगा 21 और बटे 2, 2 से 20 कट जाएगा 10 बार, और 10 की फिर 21 में गुणा करेंगे, 21 × 2 = 210, ये प्रथम 20 संख्याओं का योगफल हो जाएगा। इसी तरह 20 की जगह कुछ और दे दिया जाए, प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं का योग कीजिए, तो बस n की जगह आपको 15 रख लेना है, जितनी भी संख्याओं का योग करना है n का मान उतना इस फॉर्मूले में रख दिया जाएगा। और अगर प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल कहा जाए, संख्याओं के वर्गों का योगफल, अगर आपको कहा जाए कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए, या 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग अगर आपसे पूछा जाए, तो फार्मूला इसके लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स, और n की जगह 20 दिया है तो 20 इंटू एन प्लस वन यानी 20 + 1 कितना हो जाएगा 21, 2n प्लस वन n की जगह 20 रखना है, 20 × 2 = 40 और 1 = 41 और बटे कितना 6, ये हो जाएगा प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। और भाग इसको कर लेंगे, 3 से भागा जाएगी इसको 7 बार और इसको 2 बार, फिर 2 से इसको 10 बार भागा जाएगी, 10 × 7 ये बचा है और गुणा 41। अब 7 की पहले 41 में गुणा कर दीजिए, फिर 10 से गुणा कर देंगे, 7 × 7 और 7 × 28 ये हो जाएगा, 7 × 7 और 7 × 28 और 10 से गुणा करेंगे तो 1 0 लग जाएगा, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल आ जाएगा 2870। 20 के बजाय आपसे कितनी भी संख्याओं के वर्गों का योगफल पूछ लिया जाए, इनका मान उतना ही इस फॉर्मूले में रख के आप ज्ञात कर सकते हैं। और यदि आपसे पूछा जाए यहाँ कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों ना पूछकर यहाँ अगर घनों कह दिया जाए कि घनों का योगफल ज्ञात कीजिए, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल, तो घन हो जाएंगे 1 का घन, घन का मतलब इसके घातांक 3 लिए जाएंगे, अब 1 का घन + 2 का घन + 3 का घन + 4 का घन + 5 का घन एंड सो ऑन जमा 20 का घन। यदि n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का आपसे योगफल पूछा जाए तो वो आप कैसे ज्ञात करेंगे, फॉर्मूला इसके लिए दिया है n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर, तो रखा जाएगा इसमें होल स्क्वायर में, n की जगह कितना दिया है 20 इंटू 20 प्लस 1
बटे दो का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। तो 20 गुणा 20 प्लस एक कितना होगा 21 और बटे दो, और इसका होल स्क्वायर करेंगे आप तो 2 से 20 को 10 बार भागा जाएगी, 10 की 21 में गुणा करेंगे 21 दाई 210 और 210 का होल स्क्वायर। पहले आप इसको 210 गुणा 210 लिख सकते हैं, 210 गुणा 210 और 21 21 की गुणा होती है 441, एक जीरो ये है एक ये है, तो ये हो जाएगा दो जीरो लग जाएंगे 44,100, ये आ जाएगा आपका प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। चाहे 20 के बजाय कितनी भी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल पूछ ले तो आपको केवल n की जगह वही रखना है जितनी भी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल आपसे पूछा गया है। अब बात करते हैं n प्राकृतिक विषम संख्याओं और n प्राकृतिक सम संख्याओं के वर्गों के योगफल की। अगर आपको ऐसे दिया है 2 का वर्ग जमा 4 का वर्ग जमा 6 का वर्ग जमा 8 का वर्ग एंड सोन 40 का वर्ग, इसका योगफल ज्ञात कीजिए। पहली बात तो इसमें आपको पदों की संख्या नहीं दी गई है, लेकिन आप क्या देख रहे हैं 2 4 6 8 ये सम संख्याएं हैं और प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल ये वाला फॉर्मूला होता है, लेकिन आपको n का मान नहीं पता है। अगर आपको सम संख्याएं दी हैं तो सबसे आखिरी वाली जो संख्या दी है उसको 2 से भाग दे लीजिए, 40 बटे 2 कितना आ जाएगा 20, यानी यहाँ n का जो मान है वो 20 है, इस श्रेणी में पदों की संख्या 20 है। और 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 20 प्राकृतिक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल ये हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन एन प्लस टू अपॉन सिक्स। एन का मान कितना बताया, इस श्रेणी से पहले हमने पदों की संख्या n ज्ञात किया है 20 है, तो सूत्र हो जाएगा इसके लिए 20 गुणा 20 प्लस एक कितना 21 और 20 प्लस 2 यानी कि 22 बटे 6। अब भाग कर लेंगे, 3 से इसको 7 बार भागा जाएगी, 6 को 2 बार भागा जाएगी, फिर 2 से 20 को 10 बार भागा जाएगी, 22 सत्य 154, 154 की 10 में गुणा करेंगे तो एक जीरो लग जाएगा 1540, ये आ जाएगा इन संख्याओं के वर्गों का योगफल। इसी तरह अगर आपको विषम संख्याओं 1, 3, 5, 7 ये विषम संख्याएं दी हैं, प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल दिया है, लेकिन यहाँ आपको n का मान तो नहीं पता है कि कितने पद हैं इस श्रेणी में, तो अगर पदों की संख्या ये सम पद दिए हैं तो अंतिम पद को 2 से भाग देकर देखा जाता है पद कितने हैं। अगर विषम पद दिए हैं तो अंतिम पद n प्लस 1 बटे 2 करते हैं, यानी कि यहाँ अंतिम जो पद है उसमें 1 जोड़कर 2 से भाग करेंगे, आखिरी के पद में एक जोड़ के 2 से भाग कर लेंगे, पता चल जाएगा पदों की संख्या कितनी है। 39 प्लस 41 बटे 2 कितना 20, इस श्रेणी में भी पदों की संख्या 20 है। चाहे यहाँ जो भी संख्या दी है उसमें 1 जोड़कर 2 से भाग दे लीजिए तो आपको पता लग जाएगा कि श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है। और अगर पदों की संख्या कितनी है पता चल गया तो इस वाले सूत्र से आप n प्राकृतिक विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ n का मान 20 आया है, और चूंकि सम और विषम संख्याओं के वर्गों के योगफल का एक ही सूत्र है, अगर n का मान 20 यहाँ है, विषम के लिए भी 20 के लिए यही सूत्र है, तो संख्याओं का योगफल यहाँ भी 1540 ही आ जाएगा। इसमें अगर 39 की जगह मान लिया 49 दिया है तो 49 प्लस 1 बटे 2 करेंगे 50 बटे 2 यानी 25 आ जाएंगे पदों की संख्या, और तब n की जगह 25 रख के आप इसको सरल कर सकते हैं, ये आ जाएगा सम संख्याओं के वर्गों का या विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल। अब बात करते हैं n विषम संख्याओं का योगफल या n सम संख्याओं का योगफल। देखिए यहाँ दिया है 2 जमा 4 जमा 6 जमा 8 जमा 10 जमा एंड सोन प्लस 40 तक दिया है, इस श्रेणी का योगफल आपको ज्ञात करना है। ये सम संख्याएं हैं 2 4 6 8 10 40 तक। पहले आपको केवल इसमें ये ज्ञात करना है कि पदों की संख्या कितनी है, और सम श्रेणी में सम संख्याओं की श्रेणी में अंतिम पद को अगर 2 से भाग कर दिया जाए 40 बटे 2 20, ये आ जाएगा n का मान, यानी इस श्रेणी में पदों की संख्या है 20। और 20 सम संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा, फॉर्मूला है इसके लिए n इंटू एन प्लस वन 20 इंटू 20 प्लस एक यानी 20 गुणा 21 और गुणा कर देंगे 21 दूनी 42 एक जीरो ये लग जाएगी 420 हो जाए। दोस्तों हमारा ये संख्या पद्धति वाला वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ हमारे चैनल मैथ ट्रिक्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।